अजब जानवर को देख गजब दहशत, डरे लोगों ने की ऐसी हालत। बिहार के समस्तीपुर जिले के बाजितपुर गांव में दुर्लभ प्रजाति का इंडियन पेंगोलिन नजर आया तो गांव के जानवर डर गए। अजनबी सा जानवर देख भयभीत गाँव वालों ने उसे लाठियों से पीट पीट कर मार डाला और उसकी बॉडी को पेड़ से लटका दिया। सूचना मिली तो फॉरेस्ट की टीम मौके पर पहुंची और उसे पकड़ ले गई। डर से लटका दिया दुर्लभ जीव। बाजितपुर गांव में गुरुवार सुबह इंडियन पेंगोलिन निकल आया। गोह के आकार के इस जानवर को देख गांव के जानवर डर से इधर उधर भागने लगे। जानवरों को डरा हुआ देख गांव वालों ने भी इसे खतरनाक मान लिया। खबर पूरे गांव में फैल गई। पेंगोलिन के बारे में जानकारी नहीं होने से गांव वालों ने इसे खतरा मानते हुए लाठियां से पीटा और बरगद के पेड़ पर लटका दिया। किसी अजनबी जानवर की सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी गांव में पहुंचे तो बरगद पर लटकी हुई पेंगोलिन की बॉडी नजर आई। फॉरेस्ट टीम ने पेंगोलिन की बॉडी अपने कब्जे में ले ली। दुर्लभ प्रजाति का है पेंगोलिन। पेंगोलिन एक प्राचीन जानवर है। आमतौर पर रात में एक्टिव होने वाला यह जानवर काफी शर्मिला है और छुपकर रहता है। शिकारी से बचने के लिए पेंगोलिन का पूरा शरीर पत्थर की तरह सख्त प्लेट स्केल से कवर्ड रहता है। जिस स्केल से पेंगोलिन की जान शिकारी जानवरों से बचती थी, अब उसी स्केल के चलते उसकी हत्या हो रही है। ब्लैक मार्केट में पेंगोलिन का स्केल ऊंची कीमत में बिकता है। इसकी मांग चीन में पारंपरिक दवा बनाने के लिए अधिक है। पेंगोलिन स्केल की वाइल्ड लाइफ ब्लैक मार्केट में करीब 20% हिस्सेदारी है। 1 किलो स्केल की कीमत 1,92,200 तक हो सकती है। चीन और वियतनाम में पेंगोलिन की भारी मांग है। यहाँ इसके मांस को खाया जाता है और स्केल को दवा और सजावटी सामान बनाने में यूज किया जाता है। पेंगोलिन के स्केल से चीन में लकवा और घाव ठीक करने वाली दवा बनाई जाती है। इसके स्केल से कोट भी बनाया जाता है। इसकी जीभ 40 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। इसके मुंह में दांत नहीं होते और न यह अपने भोजन को चबाता है। पेंगोलिन दीमक और चींटी खाता है। अपनी लंबी और चिपचिपे जीभ से यह दीमक और चींटी को पकड़कर निगल जाता है। इसका स्केल केराटिन से बना है। यह काफी मजबूत होता है। यह वही मटेरियल है जिससे इंसानों के नाखून और राइनों के हॉर्न बनते हैं। इसका वजन राइनों के पूरे वजन का 20% होता है। पेंगोलिन की नजर कमजोर होती है। वह शिकार करने के लिए अपने नाक और कान का इस्तेमाल करता है। पेंगोलिन के नाखून काफी मजबूत और लंबे होते हैं। इससे वह कंक्रीट की तरह सख्त दीमक की बाम्बी को तोड़ देता है।